ये कहानी है वेस्टर्न इन होटल्स की। वेस्टर्न इन होटल की एक शाखा मुंबई में भी खुली थी। इस शाखा का मैनेजर था दिलीप। दिलीप बहुत ही खड़ूस था। कथा, ये क्या, तुम आज भी 2 मिनट देरी से आई? वो जनाब, मेरी बस छूट गई थी। हर रोज बहाने मत बनाया करो। लेकिन जनाब, मैं पहली बार देरी से आई हूँ। अच्छा, अब तुम इस बात पर भी अपने सीनियर से बहस करोगी? नहीं जनाब, माफ कीजिए। अब काम पर जाओ, कल से वक्त पर आना, ठीक है? जी जनाब। कथा बावर्ची खाने में गई, जहां उसके दोस्त विक्रम और नैना उसका इंतजार कर रहे थे। कथा का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो दोनों समझ गए कि क्या माजरा होगा। इस मैनेजर का तो एक रोज मैं खून ही कर दूंगी। तू अकेली नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। हाँ, तुम लोगों को कल का वाकया पता नहीं? कल मैं अपना रेगुलर बटर पनीर बना रहा था, तो ये मैनेजर आया। तब मैं नमक डाल रहा था, मुझे बोलता है आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच नमक डालो, बटर पनीर में ज्यादा नमक अच्छा लगता है। मैंने मना किया तो बोला सीनियर की बात नहीं मानोगे, तो मैंने डाल दिया। फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं ये बटर पनीर लेकर गेस्ट के पास गई, तो गेस्ट ने चखा और चिल्लाने लगा, ऐसे कोई बटर पनीर बनाता है क्या, इतना नमक? खाना बनाना नहीं आता तो इतना बड़ा होटल क्यों खोल लिया है? तब ये मैनेजर दौड़ कर गेस्ट के पास गया। माफ कीजिए, शायद हमारे बावर्ची से कोई गलती हो गई होगी, वो क्या है ना, वो अभी नया है। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना उस मैनेजर पर। वाकई ये नया मैनेजर ना दिमाग का दर्द है। समझ में नहीं आता ये अपने आप को क्या समझता है। इतना गुरूर इसे किस बात का है? इसने गैर मुल्क से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है ना, शायद उसी का गुरूर है। बकवास, होटल मैनेजमेंट किया है तो मुझे खाना बनाना क्यों सिखा रहा है? मेरा तो खाना बनाने का तजुर्बा भी इसके पूरे करियर से बड़ा है। तभी बाहर से मैनेजर आवाज लगाता है, अरे नैना, कथा, कहाँ हो तुम लोग? ये कैसे टेबल सेट किया है? राइट साइड नाइफ होनी चाहिए और लेफ्ट साइड स्पून्स। जनाब, वो तो लेफ्टीज के लिए होता है। मुझे मत सिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। माफ कीजिएगा। कथा, नैना और विक्रम तीनों इस नए मैनेजर से परेशान थे। इस मैनेजर को ना काम ठीक से आता था और ना ही सलीके से बात करना। मैनेजर में गुरूर तो कूट कूट के भरा था। वो जब देखो सभी मुलाजमी को फटकारता रहता था। उस रात होटल बंद होने के बाद नैना, कथा और विक्रम तीनों रास्ते पर चल रहे थे कि तभी बरसात शुरू हो गई। अरे यार, अब बारिश की ही कमी थी बस। तभी उनके बगल में एक बहुत ही बेशकीमती कार आकर रुकी और उस कार वाले ने शीशा नीचे किया। आप लोग भींग जाएंगे, आपको कहीं छोड़ दूं? वो इतना सोचिए मत, वैसे भी बारिश तेज है, आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। तीनों कार के अंदर बैठ गए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया की कोई बात नहीं, वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। काश सभी आपकी तरह ही सोचते। काफी परेशान लग रहे हैं आप लोग, कोई परेशानी है? ऐसा कुछ खास नहीं जनाब, वही जो सबके साथ होता है, बॉस का गुरूर। आप सब किसी होटल के मुलाजमीन लगते हैं, तो क्या उस होटल का मालिक मगरूर है? नहीं जनाब, उनको तो हमने देखा तक नहीं, लेकिन सुना है वो बहुत अच्छे हैं। हम तो अपने मैनेजर से परेशान हैं। वो मैनेजर गैर मुल्क से डिग्री लेकर आया है, लेकिन उसे एक भी काम सही से नहीं आता, हर काम हमसे गड़बड़ करवाता है, हमें डांटता है और वो भी गेस्ट के सामने। तो आप लोग उस मैनेजर की शिकायत क्यों नहीं करते? जनाब, हम छोटे मुलाजमीन हैं, हम भला किसी की क्या शिकायत कर सकते हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर उस मैनेजर की वजह से आपके होटल का नाम खराब हो जाए तो आपको ठीक लगेगा क्या? नहीं जनाब, उससे तो अच्छा है कि हम मैनेजर से लड़ झगड़ के ही सब कुछ ठीक कर लें। जनाब, हमारा घर आ गया, माफ कीजिए हमने आपको परेशान किया। माफी मत मांगिए, उम्मीद करता हूँ कि कल से आपके काम में सब कुछ ठीक हो जाए। तीनों ने रघुविंदर को अलविदा कहा और वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। ये आदमी बहुत बड़ा आदमी होगा। हाँ, लेकिन कितने डाउन टू अर्थ थे, उन्हें पता था कि हम होटल के आम मुलाजमी हैं, फिर भी हमें इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाया। बिल्कुल भी घमंड नहीं था इस आदमी में, एकदम डाउन टू अर्थ। सब लोग हमारे मैनेजर की तरह थोड़ी होते हैं।
तीनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह रोज की तरह सब काम पर पहुँचे। मगरूर मैनेजर ने सबको हमेशा की तरह डांटा और फिर होटल में गेस्ट आने लगे। लगभग 11 बजे वही बूढ़ा आदमी होटल में दाखिल हुआ। नैना की नज़र उस पर गई और वो उनसे बातें करने लगी। गुड मॉर्निंग जनाब, कितनी खुशगवार हैरत है। गुड मॉर्निंग, नैना हंसते हुए उनसे बात कर रही थी। ये देखकर मैनेजर को हसद हो रही थी। जब नैना बावर्ची खाने में गई तो मैनेजर उसके पीछे गया और उसे डांटने लगा। ऐसे गेस्ट के साथ इतनी देर बातें नहीं करनी चाहिए। मैनेजर डांट ही रहा था कि रघुवेंद्र जी वहाँ पहुँचे। जनाब, ये बावर्ची खाना है, महदूद इलाका है, गेस्ट को इजाज़त नहीं है। मुझे इल्म है मैं कौन हूँ, तुम्हें खबर है? नहीं जनाब, मैं रघुवेंद्र सेठिया हूँ, इस होटल का मालिक, और तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। जनाब, लेकिन मेरी गलती क्या है? पहली गलती ये है कि तुम नाकाबिल हो, और दूसरी गलती तुम मगरूर हो। जो मैनेजर अपने जूनियर्स का ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरे होटल में काम भी नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें? नैना, कथा और विक्रम तीनों हैरान थे। उन्हें खबर तक नहीं थी कि वो अपने ही होटल के मालिक से मिल चुके थे। वो जनाब, जनाब, तुम लोगों को खुद को गलत सोचने की जरूरत नहीं है। शायद मेरी ही अच्छी किस्मत थी कि तुम लोग मुझे मिले और मुझे ये सब बता दिया। तुमने तो मेरा होटल बचा लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रघुवेंद्र सेठिया वहाँ से चले गए। मैनेजर को अपने गुरूर की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहते हैं, गुरूर इंसान को ले डूबता है। ये कहानी है वेस्टर्न इन होटल्स की। वेस्टर्न इन होटल की एक शाखा मुंबई में भी खुली थी। इस शाखा का मैनेजर था दिलीप। दिलीप बहुत ही खड़ूस था। कथा, ये क्या, तुम आज भी 2 मिनट देरी से आई? वो जनाब, मेरी बस छूट गई थी। हर रोज बहाने मत बनाया करो। लेकिन जनाब, मैं पहली बार देरी से आई हूँ। अच्छा, अब तुम इस बात पर भी अपने सीनियर से बहस करोगी? नहीं जनाब, माफ कीजिए। अब काम पर जाओ, कल से वक्त पर आना, ठीक है? जी जनाब। कथा बावर्ची खाने में गई, जहां उसकी दोस्त विक्रम और नैना उसका इंतजार कर रहे थे। कथा का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो दोनों समझ गए कि क्या माजरा होगा। इस मैनेजर का तो एक रोज मैं खून ही कर दूंगी। तू अकेली नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। हाँ, तुम लोगों को कल का वाकया पता नहीं? कल मैं अपना रेगुलर बटर पनीर बना रहा था तो ये मैनेजर आया। तब मैं नमक डाल रहा था, मुझे बोलता है आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच नमक डालो, बटर पनीर में ज्यादा नमक अच्छा लगता है। मैंने मना किया तो बोला सीनियर की बात नहीं मानोगे, तो मैंने डाल दिया। फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं ये बटर पनीर लेकर गेस्ट के पास गई तो गेस्ट ने चखा और चिल्लाने लगा, ऐसे कोई बटर पनीर बनाता है क्या, इतना नमक? खाना बनाना नहीं आता तो इतना बड़ा होटल क्यों खोल लिया है? तब ये मैनेजर दौड़कर गेस्ट के पास गया। माफ कीजिए, शायद हमारे बावर्ची से कोई गलती हो गई होगी, वो क्या है ना, वो अभी नया है। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना उस मैनेजर पर। वाकई ये नया मैनेजर ना दिमाग का दर्द है। समझ में नहीं आता ये अपने आप को क्या समझता है। इतना गुरूर इसे किस बात का है? इसने गैर मुल्क से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है ना, शायद उसी का गुरूर है। बकवास, होटल मैनेजमेंट किया है तो मुझे खाना बनाना क्यों सिखा रहा है? मेरा तो खाना बनाने का तजुर्बा भी इसके पूरे करियर से बड़ा है। तभी बाहर से मैनेजर आवाज लगाता है। अरे नैना, कथा, कहाँ हो तुम लोग? ये कैसे टेबल सेट किया है? राइट साइड नाइफ होनी चाहिए और लेफ्ट साइड स्पून्स। जनाब, वो तो लेफ्टीज के लिए होता है। मुझे मत सिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। माफ कीजिएगा। कथा, नैना और विक्रम तीनों इस नए मैनेजर से परेशान थे। इस मैनेजर को ना काम ठीक से आता था और ना ही सलीके से बात करना। मैनेजर में गुरूर तो कूट कूट के भरा था। वो जब देखो सभी मुलाजमी को फटकारता रहता था। उस रात होटल बंद होने के बाद नैना, कथा और विक्रम तीनों रास्ते पर चल रहे थे कि तभी बरसात शुरू हो गई। अरे यार, अब बारिश की ही कमी थी बस। तभी उनके बगल में एक बहुत ही बेशकीमती कार आकर रुकी और उस कार वाले ने शीशा नीचे किया। आप लोग भींग जाएंगे, आपको कहीं छोड़ दूं? वो इतना सोचिए मत,
वैसे भी बारिश तेज है, आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। तीनों कार के अंदर बैठ गए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया की कोई बात नहीं, वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। काश सभी आपकी तरह ही सोचते। काफी परेशान लग रहे हैं आप लोग, कोई परेशानी है? ऐसा कुछ खास नहीं जनाब, वही जो सबके साथ होता है, बॉस, बॉस का गुरूर। आप सब किसी होटल के मुलाजमीन लगते हैं, तो क्या उस होटल का मालिक मगरूर है? नहीं जनाब, उनको तो हमने देखा तक नहीं, लेकिन सुना है वो बहुत अच्छे हैं। हम तो अपने मैनेजर से परेशान हैं। वो मैनेजर गैर मुल्क से डिग्री लेकर आया है, लेकिन उसे एक भी काम सही से नहीं आता, हर काम हमसे गड़बड़ करवाता है, हमें डांटता है, और वो भी गेस्ट के सामने। तो आप लोग उस मैनेजर की शिकायत क्यों नहीं करते? जनाब हम छोटे मुलाजमीन हैं, हम भला किसी की क्या शिकायत कर सकते हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर उस मैनेजर की वजह से आपके होटल का नाम खराब हो जाए तो आपको ठीक लगेगा क्या? नहीं जनाब, उससे तो अच्छा है कि हम मैनेजर से लड़ झगड़ के ही सब कुछ ठीक कर लें। जनाब हमारा घर आ गया, माफ कीजिए हमने आपको परेशान किया। माफी मत मांगिए, उम्मीद करता हूँ कि कल से आपके काम में सब कुछ ठीक हो जाए। तीनों ने रघुविंदर को अलविदा कहा और वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। ये आदमी बहुत बड़ा आदमी होगा। हाँ, लेकिन कितने डाउन टू अर्थ थे, उन्हें पता था कि हम होटल के आम मुलाजमी हैं, फिर भी हमें इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाया। बिल्कुल भी घमंड नहीं था इस आदमी में, एकदम डाउन टू अर्थ। सब लोग हमारे मैनेजर की तरह थोड़ी होते हैं। तीनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह रोज की तरह सब काम पर पहुँचे। मगरूर मैनेजर ने सबको हमेशा की तरह डांटा और फिर होटल में गेस्ट आने लगे। लगभग 11 बजे वही बूढ़ा आदमी होटल में दाखिल हुआ। नैना की नज़र उस पर गई और वो उनसे बातें करने लगी। गुड मॉर्निंग जनाब, कितनी खुशगवार हैरत है। गुड मॉर्निंग, नैना हंसते हुए उनसे बात कर रही थी। ये देखकर मैनेजर को हसद हो रही थी। जब नैना बावर्ची खाने में गई तो मैनेजर उसके पीछे गया और उसे डांटने लगा। ऐसे गेस्ट के साथ इतनी देर बातें नहीं करनी चाहिए। मैनेजर डांट ही रहा था कि रघुवेंद्र जी वहाँ पहुँचे। जनाब ये बावर्ची खाना है, महदूद इलाका है, गेस्ट को इजाज़त नहीं है। मुझे इल्म है मैं कौन हूँ, तुम्हें खबर है? नहीं जनाब। मैं रघुवेंद्र सेठिया हूँ, इस होटल का मालिक, और तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। जनाब लेकिन मेरी गलती क्या है? पहली गलती ये है कि तुम नाकाबिल हो, और दूसरी गलती तुम मगरूर हो। जो मैनेजर अपने जूनियर्स का ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरे होटल में काम भी नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें? नैना, कथा और विक्रम तीनों हैरान थे। उन्हें खबर तक नहीं थी कि वो अपने ही होटल के मालिक से मिल चुके थे। वो जनाब, जनाब तुम लोगों को खुद को गलत सोचने की जरूरत नहीं है। शायद मेरी ही अच्छी किस्मत थी कि तुम लोग मुझे मिले और मुझे ये सब बता दिया। तुमने तो मेरा होटल बचा लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रघुविंद्र सेठिया वहाँ से चले गए। मैनेजर को अपने गुरूर की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहते हैं, गुरूर इंसान को ले डूबता है।